वक्त भले ही बीत चुका हो लेकिन बुनकर नगरी का स्वर्णिम इतिहास आज भी जिले की शान में सितारा बनकर चमक रहा है। करीब एक शताब्दी पहले से जिले में कपड़ा उद्योग ने सांसें भरना शुरू किया था। देश ही नहीं दुनिया के लोग भी टांडा के हुनर के कायल रहे हैं। टांडानी का ऐसा कपड़ा है जिस कई खासियत हो उसके अंदर, अगर उसको बिना जाए तो उस फन को पहुंचाया जाए और उसका धागा अगर मिलता रहे तो एक अंगूठी से वो पार हो सकता है। और इसके जो है इसमें ना कोई मशीन है और ना कोई ग्राफ है ना कोई कार्बन है, ये हाथ से बनाते हैं। जितने फूल बनाना हो सब गिनती के धागे खुद ब खुद आ जाते हैं। गुलाम भारत में भी यहाँ के बुनकरों के कौशल और हुनर को अंग्रेजों ने सलाम किया है। खास तौर पर ब्रिटिशों को यहाँ का डोरिया जमदानी खूब लुभाता था। खूबसूरत नक्काशी और सजावट वाले डोरिया जमदानी के बारे में कहा जाता है कि अपने समय में यह ढाका के मलमल को मात देता था। अब इस वक्त जो है बैठने के उसमें एकदम बर्बाद हो गया है। अगर गवर्नमेंट हमारी सहायता करे तो इस फन को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों तक सिखाया जा सकता है। यही वजह रही है कि इसके कारीगरों को ब्रिटिश हुक्मरानों और आजाद भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मेडल और सम्मान मिल चुका है। हालांकि यह कला अब दम तोड़ती नजर आने लगी है। जिले में इस कला को सहेजे बस एक परिवार ही बचा है। यह परिवार सरकारी सहायता के अभाव में कला को व्यापार से जोड़ने में नाकाम है। पिछले कई दशक से यहाँ के डोरिया जामदानी कलाकार प्रशासन और शासन की उदासीनता के शिकार हो गए हैं। आलम यह है कि यह अनोखी कलाकारी अब विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसा नहीं है कि इस हुनर के कलाकार अब यहाँ है नहीं, अभी हुनरमंद भी हैं और उनके अंदर कलाकारी का जज्बा भी है। अनुराग चौधरी, ईटीवी भारत, अम्बेडकर नगर।